हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विदास इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और आज की हिंदी की जो एमसीक्यू वाली जो सीरीज़ है, इसमें हम नया टॉपिक लेने वाले हैं। टॉपिक है आपका विलोम शब्द। तो व्यापम ने जितने भी विगत एग्जाम हैं, जितने भी विगत परीक्षा हैं, उसमें जो प्रश्न पूछे हैं विलोम शब्द से, वहाँ वो टॉपिक हम उन प्रश्नों को हम यहाँ क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उद्धत शब्द का विलोम क्या है? उद्धत शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं विनय, अवनति, अनुदार, विनीत। तो ध्यान रखेंगे उद्धत का जो विलोम होता है वो क्या होता है, विनीत होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त शब्द का विलोम है। संयुक्त शब्द का विलोम है, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं युक्त, वियुक्त, निरुक्त, अमुक्त। तो संयुक्त मतलब साथ साथ, तो ध्यान रखेंगे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वियुक्त, है ना। संयुक्त का जस्ट विलोम क्या होगा, वियुक्त होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विपरीतार्थी शब्द सही नहीं है, है ना। एक साइड आपको क्या दिया गया है, शब्द दिया गया है, और दूसरे में आपको दिया गया है विलोम। तो इसमें से कौन सा युग्म, कौन सा ऐसा पेयर है जो सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आदि का अंत, ठीक है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ये भी ठीक है। आहूत का अनाहूत, ये भी ठीक है। किंतु अपमान का क्या होता है, सम्मान, ना कि उपमान। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अंतरंग का विलोम शब्द क्या है? अंतरंग का विलोम शब्द पूछा जा रहा है आपसे, पराया, अपना, बहिरंग, उभयांग। तो क्लियर है यहाँ पे ऑप्शन से, अंतरंग का जो विलोम होता है वो क्या होता है, बहिरंग होता है। योग शब्द का विपरीतार्थी शब्द चुनिए। योग शब्द का विपरीतार्थी शब्द चुनिए। सुयोग, योग्य, वियोग, कुयोग। योग यानी एक करना और वियोग यानी अलग अलग करना। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आदि शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? आदि का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं प्रारंभ, गद्य, अंत, पश्च। तो आदि का विलोम क्या होता है, आदि का अंत होता है। प्रारंभ का अंतिम, ये भी ध्यान रख लेंगे, प्रारंभ का विलोम अंतिम होता है। गद्य का पद्य होता है और पश्च का अग्र होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, नैसर्गिक का विलोम है। नैसर्गिक शब्द का विलोम है। नैसर्गिक का अर्थ होता है नेचुरल, है ना, प्राकृतिक। और ऑप्शन दिए गए हैं इसका विलोम आपसे पूछा जा रहा है, कृत्रिम, स्वर्गिक, सुषुप्ति या सात्विक। तो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, ठीक है। नैसर्गिक का जो विलोम होगा वो क्या होगा, कृत्रिम। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अननुमेय शब्द का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? अनजान, अनुमिति, अनुमेय या आधेय। तो ध्यान रखेंगे अननुमेय शब्द का जो विलोम होगा वो क्या होगा, अनुमेय। क्या होगा, अनुमेय। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, जंगम शब्द का विलोम। तो ये जो प्रश्न है ये व्यापम के अलावा और भी एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। और ये प्रश्न बार बार क्या होते हैं, रिपीट होता है ना। ये जो प्रश्न है बार बार रिपीट होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। रेलवे ने भी, एसएससी ने भी इस क्वेश्चन को पूछा है। तो देखिए, चेतन, दानव, चल, स्थावर, जंगम का विलोम क्या है? तो जंगम का जो विलोम है वो होता है स्थावर। क्या होता है, स्थावर होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अवज्ञा शब्द का विलोमार्थी क्या होगा? अवज्ञा का विलोमार्थी आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है अनुपालन, अनुज्ञा, अनुमति, अवरोध। तो अवज्ञा या, है ना, उसका जो विलोम होगा वो क्या होगा, अनुपालन, ठीक है, अनुपालन। अवज्ञा ने मना कर देना, अनुपालन यानी पालन करना। बर्बर शब्द का विलोम, अभद्र, अशालीन, सुंदर, सभ्य। तो बर्बर का जो विलोम होता है वो होता है सभ्य। क्या होता है, सभ्य होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, स्मरण शब्द का विलोमार्थी शब्द कौन सा होगा? अस्मरण, अनुसरण, विस्मरण या कोई नहीं। ऑप्शन में से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे स्मरण यानी याद रखना, विस्मरण यानी भूल जाना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में युग्मों में से
विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। फिर यहाँ पर सेम प्रश्न पूछा गया है, एक साइड आपको शब्द दिए गए हैं, दूसरे साइड उसका विलोम दिया गया है, लेकिन एक पेयर जो होगा, एक युग्म जो होगा वो सही नहीं होगा। ऋजु यानी सीधा, वक्र यानी टेढ़ा, ऋजु का क्या होता है विलोम, वक्र सही है। कुटिल का सरल सही है। सार का निस्सार, ये भी क्या है सही है, किंतु उपयोग का अनुपयोग होता है। विलोम क्या होता है उपयोग का अनुपयोग, और सदुपयोग का विलोम क्या होता है दुरुपयोग, क्या होता है दुरुपयोग। अगला प्रश्न है स्थावर शब्द का विलोम है, ठीक है, ये प्रश्न हम देख चुके हैं, जंगम का स्थावर होता है तो स्थावर का क्या होगा जंगम होगा, तो ये भी क्या है सही है। उपकार शब्द का विलोम क्या है, उपकार शब्द का विलोम क्या है, विकार अनुपकार, ये ऑप्शन होगा अपकार, अपकार या तिरस्कार, तो उपकार शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है अपकार, क्या होता है अपकार, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है तिमिर, इस शब्द को क्या कर लेंगे तिमिर, तिमिर यानी अंधेरा, तिमिर शब्द का विलोम है, तिमिर शब्द का विलोम है। आलोक किरण, रंगीन रंगहीन, तो आलोक यानी प्रकाश, तो तिमिर का जो विलोम होगा क्या होगा आलोक होगा, क्या होगा आलोक होगा। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है, अपरोक्ष परोक्ष सुंदर प्रत्यय, तो प्रत्यक्ष का विलोम यदि हम देखें तो ये क्या होना चाहिए अप्रत्यक्ष, किंतु विकल्प के अनुसार यदि हमें एक आंसर लेना हो तो हम क्या लेंगे अप्रत्यक्ष, मतलब क्या होता है पर्यायवाची या समानार्थी प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा अपरोक्ष, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। सामान्य शब्द का विलोम है, सामान्य शब्द का विलोम है, श्रेष्ठ सर्वज्ञ साधारण या विशिष्ट, तो ध्यान रखेंगे सामान्य का जो विलोम होता है वो क्या होता है विशिष्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अमर शब्द का विलोम है, अमर शब्द का विलोम है, विकल्प यहां आपको दिया गया है मृतक मृत्यु मरण मर्त्य, तो ध्यान रखेंगे अमर का जो विलोम होता है वो क्या होता है मर्त्य, क्या होता है मर्त्य, ठीक है। मैं बार बार बोलूंगा कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके, व्यापम ने प्रश्नों को रिपीट भी किया है बहुत सारे एग्जाम में, तो आगे भी आपके परीक्षा में इसके रिपीट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए उत्कर्ष शब्द का विलोम है, उत्कर्ष शब्द का विलोम है, अकर्ष अनुत्कर्ष अपकर्ष या आकर्ष, तो ध्यान रखेंगे उत्कर्ष का जो विलोम होगा वो क्या होगा अपकर्ष होगा, क्या होगा अपकर्ष होगा। चलिए अगला प्रश्न लेंगे आविर्भाव शब्द का विलोम है, आविर्भाव शब्द का विलोम है, अनाविर्भाव विभाव अविर्भाव या तिरोभाव, तो आविर्भाव शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है तिरोभाव, क्या होता है तिरोभाव। चलिए उक्त शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, अनुक्त उपयुक्त अनुपयुक्त या उपर्युक्त, तो उक्त शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है अनुक्त, ठीक है ना, क्या होता है अनुक्त होता है, ध्यान रखेंगे। निर्दय शब्द का विलोम है, समय सहृदय सदय या सभय, तो ध्यान रखेंगे निर्दय का जो विलोम होता है वो क्या होता है सदय, क्या होता है सदय, जिसमें दया नहीं हो और जिसमें दया हो। उन्मिलन शब्द का विलोम है, अनुमिलन निमिलन अमिलन या मिलन, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे उन्मिलन शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है निमिलन, क्या होता है निमिलन, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है, अवज्ञ सर्वज्ञ अभिज्ञ या कृतज्ञ, तो अल्पज्ञ यानी बहुत कम जानने वाला, इसका आंसर क्या होगा सभी कुछ जानने वाला यानी सर्वज्ञ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ले, ठीक है, जो बच्चे हॉस्टल वार्डन और डाटा एंट्री एग्जाम, ये दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो वेदास इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। यदि आप
ऑफलाइन माध्यम से सेंटर में आकर पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये जो कोर्स है, दोनों कोर्स है, ये बहुत ही कम प्राइस यानी 3999 रुपीज़ में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जो बच्चे घर में बैठकर ऑनलाइन माध्यम से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनको ये पूरा जो कोर्स है, दोनों कोर्स है, डाटा एंट्री ऑपरेटर और हॉस्टल वार्डन का जो कोर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपीज़ में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो विदास इंस्टीट्यूट के साथ आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप विदास इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।